यूपी के लखीमपुर खीरी के हादसे के बाद जबरदस्त हिंसा, चार किसानों की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने केंद्रीय मंत्री के ड्राइवर समेत चार बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीट पीट कर मार डाला। लखीमपुर में हुई हिंसक झड़प में चार किसान और चार बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत, हंगामे के बाद लखीमपुर में धारा 144 लागू। लखीमपुर में धारा 144 लागू होने के बाद प्रशासन ने नेताओं के जिले में प्रवेश करने पर रोक लगाई, नियम तोड़ने पर बीएसपी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा को थमाया नोटिस। लखीमपुर जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया, हिरासत में लेने के बाद प्रियंका ने आक्रोश जाहिर किया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात, आज जो लखीमपुर जाने वाले हैं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। लखीमपुर हिंसा पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा किसानों की हत्या में मंत्री अजय मिश्रा का बेटा शामिल, पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। राकेश टिकैत ने लखीमपुर हिंसा मारे गए लोगों को 1-1 करोड़ के मुआवजे और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। किसानों के आक्रोश को देखते हुए लखीमपुर प्रशासन का बड़ा फैसला, जिले में इंटरनेट सर्विसेज पर रोक लगाई गई। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने गाड़ियों को फूंक दिया, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की 3 गाड़ियों में आग लगा दी गई। किसानों का केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर आरोप, कहा आशीष मिश्रा ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचल दिया। प्रदर्शनकारियों को गाड़ी से कुचलने के आरोप पर अजय मिश्रा के बेटे आशीष की सफाई, कहा किसानों के आरोप बेबुनियाद, मैं गाड़ी में मौजूद ही नहीं था। बेटे पर किसानों को कुचलने के आरोप पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने सफाई दी, कहा अगर बेटा वहां मौजूद होता तो जिंदा नहीं बचता। लखीमपुर में हिंसक झड़प के बाद तनाव बढ़ा, प्रशासन ने जिले की सीमाओं को सील कर दिया, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। यूपी पुलिस ने लखीमपुर हिंसा में अब तक 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की, कहा हालात पूरी तरह नियंत्रण में, अप्रिय घटना को रोकने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। लखीमपुर में किसानों की मौत पर मचे बवाल के बीच डीएम अरविंद चौरसिया का बड़ा बयान, कहा सड़क हादसे में हुई 4 किसानों की मौत। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के आरोप पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि बेटे ने नहीं, प्रदर्शनकारियों ने हमारे ड्राइवर और 3 कार्यकर्ताओं को पीट पीट कर मार डाला। सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी में बवाल के दौरान 8 लोगों की मौत पर दुख जाहिर किया, कहा सरकार वारदात में शामिल लोगों को बेनकाब कर सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। लखीमपुर खीरी में हिंसक झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण, शांति बनाए रखने के लिए पीएसी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 3-3 कंपनियां तैनात की गई। सीएम योगी ने क्षेत्र के लोगों से शांति बनाए रखने के लिए और अफवाह से बचने के लिए मौके पर हो रही जांच और कार्रवाई का इंतजार करने की अपील की। लखीमपुर में हिंसक झड़प के बाद पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव जा रहे आर्मी चीफ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को पुलिस ने वापस लौटा दिया। लखीमपुर खीरी जाने से रोकने के लिए चंद्रशेखर ने योगी सरकार को साधा निशाना, कहा अन्नदाता के हथियारों को पकड़ने के बजाय यूपी पुलिस पीड़ित परिवारों से मिलने से रोक रही है। लखीमपुर में हुई हिंसक झड़प में किसानों की मौत के बाद अप्रिय घटना को रोकने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। लखीमपुर जा रहे बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा को हाउस अरेस्ट किया गया, पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे सतीश चंद्र मिश्रा। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों से मिलने जा रहे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को पुलिस ने सीतापुर में रोक लिया। लखीमपुर हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज, अजय मिश्रा के बेटे पर किसानों को गाड़ी से रौंदने का आरोप। संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर हिंसा मारे गए किसान लवप्रीत दलजीत नछत्तर और गुरविंदर सिंह को श्रद्धांजलि दी, कहा शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रदर्शनकारियों गाड़ी से रौंदने के बाद आरोप के बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की सुरक्षा बढ़ाएगी, किसानों ने आशीष पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया है। यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने लखीमपुर में घटनास्थल का दौरा किया, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखीमपुर खीरी जाएंगे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, हिंसक झड़प में किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले को रोके जाने के दौरान समर्थकों ने हंगामा किया, राकेश टिकैत के समर्थकों ने पुलिस बैरिकेडिंग हटाई।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी आज लखीमपुर खीरी जाएंगे। हिंसक झड़प में मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा भी लखीमपुर खीरी आएंगे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। यूपी सरकार ने जिले में नेताओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। कई नेताओं को पुलिस ने बॉर्डर से वापस लौटा दिया। लखीमपुर में किसानों की मौत पर सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया। कहा, किसानों के प्रति बीजेपी ने उदासीन रवैये से बहुत ज्यादा दुखी हूं। लखीमपुर हिंसा झड़प में किसानों की मौत के बाद पंजाब में हाई अलर्ट। सभी जिलों के एसएसपी को हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। लखीमपुर कांड पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट। कहा, किसानों के साथ जो कुछ हुआ वो अक्षम्य है। किसान हूं, किसान का दर्द समझता हूं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने किसानों से अपील की। कहा, लखीमपुर में मारे गए किसानों को न्याय दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे किसान। लखीमपुर कांड के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में डीएम कार्यालय के घेराव का ऐलान किया। सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक कलेक्टर कार्यालय का घेराव होगा। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद मुजफ्फरनगर के सिसौली में किसानों ने पंचायत की देश भर के जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन का ऐलान। प्रियंका गांधी ने कहा, यह देश के किसानों का है, बीजेपी के क्रूर विचारधारा की जागीर नहीं। किसान सत्याग्रह मजबूत होगा और किसान की आवाज और ज्यादा बुलंद होगी। लखीमपुर में किसानों की मौत को लेकर प्रियंका का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी को किसानों से नफरत, आवाज दबाने के लिए रौंद रही। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद गाजीपुर बॉर्डर में सुरक्षा बढ़ाई गई। आला अधिकारियों ने बॉर्डर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। किसानों की मौत पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ क्रूर व्यवहार के लिए बीजेपी की संस्कृति बताया। लखीमपुर कांड पर सीएम केजरीवाल ने जताया दुख। योगी सरकार से दोषियों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा देने की मांग। लखीमपुर कांड पर किसान नेता राकेश टिकैत की योगी सरकार को चुनौती। सरकार होश में नहीं आई तो बीजेपी नेताओं का घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। राकेश टिकैत ने योगी सरकार से आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। कहा, किसानों की परीक्षा ना ले सरकार, किसान मर सकता है पर डरेगा नहीं। लखीमपुर कांड को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू का योगी सरकार पर पलटवार। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी की मांग। टीएमसी नेताओं का डेलीगेशन आज लखीमपुर खीरी जाएगा। डेलीगेशन में काकुली घोष, डोला सेन, प्रतिमा मंडल, सुष्मिता देव शामिल। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी लखीमपुर कांड को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए। कहा, यूपी की कानून व्यवस्था पूरी तरह से तोड़ चुकी है दम। लखीमपुर कांड इसका ठोस सबूत। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाए? यूपी किस पर राजी? क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी? किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा? ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा? ओवैसी का प्लान, किसकी तरफ मुसलमान? साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए टीवी 9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश, 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।